भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर और 15 लाख का इनामी नक्सली इंदल गंजू को रांची जोनल आईजी कार्यालय में पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति को समर्थन करते हैं। 20 साल से इस संगठन से जुड़ा था, में जमीन विवाद था। इसी विवाद के ही दौरान वह नक्सली संगठन का हिस्सा बना। दरअसल झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन के 15 लाख के इनामी नक्सली ने गुरुवार आईजी आवास में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली इंदल गांजू माओवादी संगठन का रीजनल कमांडर है। इस दौरान रांची के आईजी बैबी होमकर, राकेश रंजन, डीआईजी हजारीबाग आदि मौजूद थे। दलों के द्वारा झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में जो कार्य किया जा रहा है, उन सभी दलों के लिए आज एक सफलता का दिन है, क्योंकि भाकपा माओवादी संगठन का शीर्ष कमांडर इंदल गंजू, जो कि रीजनल कमेटी मेंबर है और जिस पर झारखंड सरकार के द्वारा 15 लाख का इनाम घोषित किया गया था, उसके द्वारा आज झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत उस नीति से प्रभावित होकर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों और कर्मियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।